शुगर मतलब हमें ग्लूकोज इंजेक्शन का टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेनेडिक्ट रिएजेंट। हम बेनेडिक्ट टेस्ट करने वाले हैं, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे? बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 2 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है, 2 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट हमें लेना है। बेनेडिक्ट रिएजेंट को हम टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट हमने लिया है। कितना लिया है? 2 ml। अब इसके अंदर हमें इतना ही यूरिन ऐड करना है और फिर इसे हमें बॉइल करना है और कलर चेंज को हमें नोटिस करना है। ठीक है, अब हम इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ 2 ml यूरिन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट हमने ले रखा डालो बेटा। ओके, तो हमने क्या किया, यूरिन 2 ml ऐड कर दिया 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट में। अब आपको क्या करना है, इसे बॉइल करना है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है बोलो। अब हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या करा है, यूरिन के अंदर हमने शुगर को ऐड किया है ग्लूकोज की प्रेजेंस के लिए। अब हम सेम टेस्ट दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली टेस्ट में हमने यूरिन लिया था और उसमें शुगर नहीं प्रेजेंट थी, इसलिए नो कलर चेंज। ठीक है, अगर शुगर नहीं प्रेजेंट होती है तो बेनेडिक्ट जो होता है उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, वो ब्लू था, ब्लू ही रह गया था। अब हम क्या करें, यूरिन के अंदर हमने थोड़ी सी शुगर ऐड करी है, अब हम टेस्ट को रिपीट कर रहे हैं और फिर रिजल्ट देखेंगे। डालो बेटा इसमें 2 ml बेनेडिक्ट डाल रहे हैं अब हम यूरिन के अंदर, जिसके अंदर हमने शुगर को ऐड किया है। फाइनल रिजल्ट जो हमने दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में टेस्ट कंडक्ट किया था, ये हमारी दो वाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें ओनली यूरिन था, और इस वाली टेस्ट ट्यूब में हमने यूरिन के साथ बिल्कुल थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन ऐड किया था, क्योंकि नॉर्मल यूरिन में अगर हेल्दी है यूरिन तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होती। ये हमारा नॉर्मल यूरिन है, इसमें नो कलर चेंज, जो हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का ही है, और जो सेकेंड जिसमें हमने